ये जो अंधा काम किया हुआ है हबीब बैंक का, ये 1000 रुपए जो पर लेडीज का जो है वो कहाँ जा रहा है? आपने पूछा नहीं जब ये आपके साथ हुआ तो? नहीं, मैंने पूछा, मैंने बोला आप मुझे जो मेरी वाइफ के जो पैसे थे उसमें से मैंने पूछा कि आप मुझे 8000 तो दे रहे हैं, पहले इतनी महंगाई इतनी है और ऊपर से जो जितने पैसे आते हैं उसमें से 1000 रुपया ये अपना ले लेते हैं। वो जिस वक्त 9000 रुपये आपको वो छोटी सी मूवी बना देंगे उसमें से फिर वो 1000 रुपये ले लेंगे, वो अपने जेब में डाल देंगे, 8000 रुपये पहले डील करते हैं वो। तो हर जगह ही यही हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। आपको अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मारू खान और आप देख रहे हैं DS डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से फ्रॉड हुआ है, और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ। अब्दुल साहब, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ये मैं वाइफ के पैसे आते हैं, बच्चों के भी साथ आते हैं, तो इस दफ़ा जो पहले भी जो पैसे आए हैं सास प्रोग्राम के, बेनज़ीर प्रोग्राम के, उसमें से इन्होंने तकरीबन 13000 हमारा आया था पिछली दफ़ा, तो उसमें से इन्होंने 1500 रुपये काट। एक एक जो पर्सन होता है, फ़र्द होता है, उसका कितना होता है एक पर्सन के हिसाब से? अगर 9000 रुपये आ रहे हैं तो 9000 में से इन्होंने आपसे 1000 रुपया, एक इंसान का जो है वो 9000 होता है, एक इंसान का 9000 रुपये आ रहा है, उसमें से जो है 1000 ये अपना काट देते हैं। उसकी कोई रसीद नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, कोई उसके पूछताछ नहीं है। जिस वक्त पहले हबीब बैंक से पैसे मिलते थे तो वो लेडीज जाती थी सुकून से, वो थम लगाती थी, उसको उस वक्त आराम से पैसे हबीब बैंक से मिल जाते थे। लेकिन ये जो अंधा काम किया हुआ है हबीब बैंक का, ये 1000 रुपये जो पर लेडीज़ का जो है वो कहाँ जा रहा है, उसका आप ज़रा बताएं कि इसका क्या हल है, क्या नहीं है। पहले के पूरे पैसे मिलते थे हबीब बैंक से, तो पूरे पैसे जिस वक्त आप थम लगाते थे आपको पूरे पैसे मिलते थे, लेकिन जब इन्होंने PCO वालों को, इन लोगों को जो डिवाइस दे दिए हबीब बैंक की वालों ने, तो उसमें ने उन्होंने ये किया है कि भाई आप जो है 1000 रुपये जो है आप पर लेडीज से जो है वो आप चार्ज करेंगे। तो आपको ये नहीं पता कि वो क्यों काट? आपने पूछा नहीं जब ये आपके साथ हुआ तो? नहीं, मैंने पूछा है, मैंने बोला आप मुझे जो मेरी वाइफ के जो पैसे थे उसमें से मैंने पूछा कि आप मुझे 8000 तो दे रहे हैं, तो आप 1000 रुपये काट रहे हैं तो मुझे स्लिप दे दें। कहते हैं नहीं, स्लिप आपको नहीं मिलनी है। स्लिप क्यों नहीं मिलनी? आपने पूछा नहीं ये तो? वो आपको स्लिप देंगे नहीं, वो आपको सबूत ही नहीं देंगे, उसमें से उन्होंने 1000 रुपये आपसे ले लेना है। और ये मैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई आपका ऑफिसर हो जो यहाँ पे छोटे छोटे पिंडी स्टाफ इन इलाकों में जो भी PCO हैं वहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं, ज़रा आप तरीके से चले जाएं और वहाँ पे किसी लेडीज़ से ऐसे पूछें तो आपको वो सारा कुछ बता देंगे कि ये 1000 रुपये जो इनसे काटते हैं, बददुआएं लोग दे रहे हैं, पहले इतनी महंगाई इतनी है और ऊपर से जो जितने पैसे आते हैं उसमें से 1000 रुपये ये अपना ले लेते हैं। पिक्चर नहीं बनाते आप पैसों की या कोई? नहीं, वो आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपको वो एक छोटी सी मूवी बनाएंगे, आपको ये बोल देंगे कि भाई ये आपने 9000 रुपये वसूल कर दिया है, वो जिस वक्त 9000 रुपये आपको वो छोटी सी मूवी बना देंगे उसमें से फिर वो 1000 रुपये ले लेंगे, वो अपने जेब में डाल देंगे, 8000 रुपये पहले डील करते हैं वो। तो वो पकड़ाते ही 8000 हैं? हाँ, आपको 8000 पकड़ाएंगे, उसके अलावा आपको पैसे नहीं देंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे पैसे। लेकिन वैसे जो है 9000 मिलना? 9000 रुपया है ये एहसास बेनज़ीर प्रोग्राम का जो है इस वक्त किस 9000 ही चल रही है, हर शख्स के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। लेकिन मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो आपका हबीब बैंक का चल रहा था तो जो बायोमेट्रिक के ज़रिए लेडीज़ को पैसे मिल रहे थे वो सुकून से अपने जाके पैसे निकाल देते थे, तो वो उसमें आपको क्या मुश्किल आ गई है मुझे इसकी मुझे इसकी आपकी समझ नहीं आई है। या तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आप या हैं इसके अंदर, या कोई आपका MPA या MNA कोई होगा आपका जो डिवाइस वो दे रहे हैं कि भाई उसके ऊपर आप देखें कि 500 या 600 औरत होती है उसका 1000 रुपये लगाएं, कितने पैसे बनते हैं, वो पैसे आप किधर लेके जा रहे हैं, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, इसका मैं कन्फर्म करें। कितनी दफ़ा आपके साथ ये जो है फ्रॉड हो चुका है? ये 2 दफ़ा हो गया है। पिछली दफ़ा जो आया है बच्चों के बीच में पैसे आए थे उसमें 13000 आया था, 13000 में से उन्होंने 1500 रुपये ले लिए, और इस दफ़ा जो अभी जो किस्त आई है उसमें से इन्होंने 9000 में से 8000 रुपये दी। तो हर जगह ही यही हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। आपको अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब आपको 1000 देना ही पड़ेगा। हाँ, आपको 1000 देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो आपका वो कहते हैं आपका थंब नहीं लग रहा है, आपका थंब नहीं लग रहा है। तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे उनको? कौन पूछेगा यहाँ पे? कोई पूछने वाला है यहाँ पे? तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये अगर एक जगह पे होता तो फिर तो हम कहते हैं, ये तो हर जगह पे ये 1000 रुपये दे दो। इस शहर के अलावा जहाँ भी ये
है फ्रॉड नहीं, जो जो हाफिजाबाद हो गया इन इलाकों में जहाँ पे बड़ी डिवाइस रखी हुई हैं, यहाँ बड़ा कोई है वहाँ पे जगह जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे, चलो वो तो 200 या 300 रुपए उनका जो होता है वो तो ठीक है, उसकी तो समझ आ रही है, लेकिन 1000 रुपए की समझ नहीं आ रही है कि ये आपका क्या हो रहा है। तो पैसे देने से पहले कोई डील वगैरह करते हैं या कुछ कहते हैं ऐसा, या खुद ही 1000 बगैर पूछे वो काट ले? नहीं, डील आपको, आपके साथ वो डील होगी, क्योंकि अगर डील नहीं होगी तो आपका थंब नहीं लगेगा, आपका थंब नहीं लगेगा आपको पैसे, आप 10 चक्कर लगा दें, जब आप 10 चक्कर लगा देंगे तो उसके बाद आप खुद ही बोलेंगे दफ़ा करो, ये इतने चक्कर तो लगा दिए, ये 1020 में जो चला जाए तो क्या है, यही हो रहा है। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? तो मेरे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने जो इनको डिवाइस दिए हैं किस मकसद के लिए दिए हैं, या तो आपका कोई इसमें बंदा इन्वॉल्व है, इसमें कुछ ना कुछ तो आपका ऐसा है कि जो पर लेडी से आप 1000 रुपये आप चार्ज कर रहे हैं, यही हो रहा है इसमें। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू सो